दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज बहुत दिनों के बाद जो मैं आप लोगों को फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं किशनगंज कानके धाम मंदिर। मैं हूँ अनीश और मेरे बंदे लोग पहुँच गया पहले से ही। तो ये हमारी ट्रेन क्योंकि थोड़ी देर बाद अभी खुलने वाली है, तो काफ़ी हम लोग लेट भी हो चुके थे। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ट्रेन जो वहाँ पर रुकी हुई थी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे बंदे लोग पहुँच गए हैं। जल्दी टिकट कराना, तो अभी हम लोग जो कि टिकट कराने के लिए आए हुए हैं जल्दी सुन। और वो जो ट्रेन है बहुत फास्ट ट्रेन है, जो भी जैसा भी है मेरा तो बोल रहा है, वो अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहे, ब्लॉग में जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो कानके धाम मंदिर में इससे पहले भी जो कि कभी नहीं गया हुआ हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने दो आदमी का जो कि टिकट लिया हुआ है। कितना पड़ा रहा है, प्राइस कितना पड़ा, प्राइस कितना पड़ा, 55 दो ना, 55 दो ना, 110 रुपये जो टिकट पड़ा। और चलते हैं, ब्लॉग पर आप लोग बने रहें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे बंदे लोग पहुंच गए हैं, यही है हमारे बंदे लोग जो कि पहले से पहुंच करके तैयार थे। तो फाइनली जो है कि हम लोग डालखोला पहुंच गए हैं। हालांकि किशनगंज के लिए निकले थे, बट यहाँ से जो है कि ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। तो अभी डालखोला पहुँचे हुए, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया हम लोगों को इस ट्रेन में, लगभग 5:40 हो रहा है। और ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ कि ट्रेन में जो है कि खड़े खड़े ही हम लोगों को आना पड़ा। मेरा पूरा ग्रुप जो कि यहीं पर है, तो चलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी अभी रात को लगता हो जाएगा वापस लौटने में। बड़ा बड़ा तो हम लोग जो है कि टेम्पो में बैठे हैं और कौन जी बन गया यहाँ से जा रहे हैं जानकी धाम। और जानकी धाम के लिए लगता काफ़ी दूर होगा, कुछ ही क्षणों में हम लोग वहाँ पर होंगे। आप लोग टेम्पो में बैठ के थोड़ा इंतजार करें, हमारे कवरेज में बने रहे। जो है कि हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हाईवे का जो है किस पार है, पार हो। देख सकते हैं वहाँ पर है मंदिर। अरे पार हो जाए बाबू। हाँ रे बाबू पार हो जाए भैया, बोल दियो ना। हाँ रे यही यही आए थे, फाइनली जो कि हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। और गेट जो है कि आप लोगों ने देखा ही, तो यहाँ पर काफी मात्रा में जो है कि क्राउड भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है कि क्राउड है। मेला वगैरह भी थोड़ा बहुत झूले वगैरह लगे हुए हैं। माहौल तो अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला जो है कि माहौल है। तो यही है मंदिर। पता नहीं हमारा ग्रुप जो है कि किधर ही चला गया है, उसी को अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर है। तो फ्री सर्विस है ओ भैया। ओ ओ जूता जो ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर अभी जो है कि जूता रख रहा था, लेकिन अभी जो है जूता नहीं रख रहा है। जूता जो ड्यूटी कर रहा था वो चला गया, जूता रख के हम लोग यहीं पर जाना होगा। खोल लिया तू लोग। Thank you.
विजिट कर लिया सारे दोस्त लोग के साथ। तो अभी जो है कि जाने का तैयारी में सारा मंदिर जो हम लोग घूम लू लिए, जूता था पहन के रेडी किया हुआ उधर उनकी तरफ। तो अभी जो है कि अभी हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद जो है कि इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूंगा। तो ये मिर्चा का है, आलू चॉप है, लहसुन का है, लिट्टी है। तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है ये नाश्ता। अभी का टेस्ट बहुत अच्छा था, सिर्फ जो वो लहसुन वाला पकौड़ा था वो मज़ा नहीं आया खा के। तो उस टाइम जो हम लोग कटिहार से आए थे वो डालकोला में उतरे थे, उसके बाद जो है वहाँ से टेम्पो पकड़ के जो हम लोग मंदिर गए। और अभी जो है कि हम आए हुए हैं, हम लोग जो है कि आए हुए हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन, और यहाँ से जो है कि हम लोगों का ट्रेन है 9:30 बजे। अभी जो है कि 8:30 बजा हुआ है, अब यहाँ से हम लोग को कटिहार के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और एक घंटा अभी हम लोग को रुकना पड़ेगा। पकड़ पकड़ लिफ्ट के पकड़ रहे फाइनली जो है कि हम लोग कनक धाम किशनगंज का जो कि मंदिर घूम चुके हैं, और कानके धाम जो कि ऊपर घूम चुके हैं आप लोगों ने दिखाई। तो उम्मीद करते हैं आज के ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पीछे देख सकते हैं कि मेरा सारा ग्रुप है जो कि हम लोगों के साथ गया हुआ था, और अभी रात के बज रहे हैं 1:15। और जैसा कि हम लोग जो है कि कितना बजे निकले, 3 बजे जो है कि हम लोग निकले हुए थे और 1:15 बजे जो क्या है। हालांकि गाड़ी अभी बहुत ही लेट चल रही है, इस कारण से बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है हम लोगों को भी। खैर कोई बात नहीं, अभी घर जाएंगे और घर जाने के बाद खाना वगैरह खाएंगे, बहुत भूख लगा हुआ है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।